ध्यान दो। अब समझो, सबसे पहली बात एप्लीकेशन ऑफ बोलो डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ बोलते चलो ऐसा नहीं कि फिर भाई साहब चल नहीं समझो। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इसमें दो बात, जैसे क्वालिटी ऑफ थ्री पॉइंट मतलब तीन जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा किस केस में, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ध्यान दो दूसरा पढ़ेंगे कौन चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये चीज समझ गया तो समझो वो चीज भी तुम सीख जाओगे। जैसे टेंथ क्लास में हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ होता था तो, लेकिन इसमें भी वही चीज करेंगे बस डिटरमिनेंट मेथड इसमें अप्लाई। तो लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट है ना, या यूजिंग डिटरमिनेंट। सुनो बोल से, इफ थ्री वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, आर गिवन समझो ये क्या है हमारा ए, ये क्या है बी, ये क्या सी, इसका मान लो कोऑर्डिनेट दिया गया कितना एक्स वन और वाई वन, इसका दिया गया मान लो कितना एक्स टू और वाई टू, इसका दिया गया है एक्स थ्री और वाई थ्री। समझने का कोशिश करना यहाँ पर, तब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इस चीज को समझो सबसे पहले। आर गिवेन बाई ध्यान रखना यहाँ पर, आर गिवेन बाई कितना बताओ ए कितना है बताओ एक्स वन कॉमा वाई वन, ध्यान रखना वर्टिसेस यानी वर्टेक्स को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत है ना, हालांकि नहीं डालोगे तो पर भी कोई दिक्कत बोलो नहीं, नहीं होगा है ना। अब देखो उसके बाद बी कितना था बोलो एक्स टू और वाई टू, एंड सी कितना बताओ एक्स थ्री और वाई थ्री। तब समझो यहाँ पर हमारा एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सुनो बोलो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेंस बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी सी इक्वल टू, किस मेथड से निकाल रहे हैं भाई साहब डिटरमिनेंट, किसके हेल्प से डिटरमिनेंट के हेल्प से। अब समझे यहाँ से ये क्या है, देखो तो मोड है, क्या है मोड है, मोड ऑफ हाफ ऑफ कितना यहाँ रखेंगे x1 वन वन, क्या रखेंगे x1 y1 वन वन, यहाँ क्या होगा हमारा x2 y2 वन, यहाँ क्या होगा हमारा एक्स थ्री वाई थ्री और वन। फिर इसका मतलब एक बात ध्यान रखना यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर यूनिट, क्या लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। अच्छा स्क्वायर यूनिट क्यों लगाते हैं, उनको पता है एरिया का जो यूनिट होता है वो किसमें होता है स्क्वायर में होता है, किसमें होता है स्क्वायर में होता है। इस कंसेप्ट को तुम लोग दिमाग में रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तुम्हारे बोर्ड। हाँ किसी बच्चा के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई साहब यहाँ पर मोड क्यों लगा रहे हैं, है ना, यहाँ पे मोड काहे लगा रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर मोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको पहले से पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। जब एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो आपको पता है मॉडुलस का कंसेप्ट लीनियर इनइक्वालिटी में हम पढ़ा चुके हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मोड एक ऐसा मशीन है जिसमें आप नेगेटिव नंबर डालो रिजल्ट क्या इसमें देगा पॉजिटिव नंबर में देगा, इसलिए यहाँ क्या हम लोग लगा दिए हैं मोड। और एरिया नेगेटिव आता है कभी कभी, हालांकि ये बात हम बता देंगे कि एरिया नेगेटिव कब आता है और पॉजिटिव कब आता है ना। एरिया नेगेटिव क्यों, अरे एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है पता है ना, लेकिन नेगेटिव आ क्यों जाता है इसका क्या कारण है ये चीज हम तुमको बता देंगे, हालांकि अभी इसको चुपचाप नहीं बोल। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, अब समझो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले बात तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, मतलब कोई ध्यान दो ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया और बोल रहा है तुमको इसका एरिया फाइंड आउट करना। तुमको प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ होगा तो इसका एरिया क्या होता है। सबसे पहली बात इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग लेट। अच्छा एक बात, यहाँ एक फिगर बना दो तो तुम्हारा प्रॉब्लम ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। मान लेते हैं क्या ए होगा, ये बी होगा और ये सी, इसका वर्टेक्स मान लो क्या होगा तुम थ्री कॉमा क्या होगा थ्री, हालांकि किसी को मानोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। इसका मान लो कितना माइनस फोर कॉमा टू, इसका कितना मान लो सी का फाइव कॉमा माइनस ऑफ वन, कोई डॉट, इसका हमको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है एरिया इक्वल टू वन। समझे सबसे पहली बात क्वेश्चन बनाने का मेथड देख लो, लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल है ना, इज ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, क्या देखो ए कितना बताओ किशन थ्री कॉमा एट, उसके बाद देखो बी कितना माइनस फोर कॉमा टू, एंड सी कितना फाइव कॉमा माइनस वन। अच्छा एक बात तुमको पता है, अगर कोई ट्रायंगल दिया है ध्यान दो, कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो उसका वर्टिसेस दिया हुआ हो तो तुमको एरिया क्या होता है बताए थे ना कि एरिया, हेंस आप देखो एरिया का फॉर्मूला बता चुके हैं, हेंस एरिया ऑफ
अच्छा इसको सीधा शॉर्ट में लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी, कितना होगा? उनको पहली दफा बोले थे क्या लगा देना है, मोड लगा देना है, क्या लगा देना है, मोड। अच्छा एक बात देखो, मोड ऑफ हाफ ऑफ ये होगा, यहाँ क्या होगा देखो, एक्स वन, यहाँ क्या होगा वाई वन, यहाँ वन, वाई डॉट यही बताए हैं, यहाँ क्या एक्स टू वाई टू, और क्या यहाँ क्या होगा एक्स थ्री, यहाँ क्या होगा वाई थ्री वन, यहाँ पर क्या होगा मोड, और साथ में क्या बोले थे स्क्वायर रूट। ध्यान रखना बहुत बच्चा मिस्टेक यहाँ पर ये करता है कि सब कुछ सही बना लेता है, लास्ट में स्क्वायर यूनिट नहीं देता है, और वहाँ पे फिर कॉपी चेक करने वाला क्या करता है, मार्क काट लेता है, उस समय बच्चा होगा हम बना के आए, है ना। अब ध्यान दो, इसी चीज को समझने का कोशिश करना है, यहाँ से अगर इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं तो कैसे, ध्यान दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमारा ए बी और सी क्या होगा बताओ, कोई हाफ तो पहले से है, हाफ तो पहले से है भाई साहब, यानी यहाँ मोड लगा दो, हाफ लगा दो, क्या लगा दो हाफ। अच्छा एक्स वन वाई वन इसको मान लो क्या होगा हमारा थ्री कॉमा एट, और यहाँ क्या होगा वन, यहाँ क्या होगा बताओ माइनस फोर कॉमा टू यहाँ वन, इधर ध्यान दो। अब यहाँ क्या होगा हमारा फाइव कॉमा माइनस वन, इसका क्या होगा मोड, और साथ में मोड क्या लगाना है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर डॉट लास्ट में लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, तुमको बोले थे आप इसको अभी भी एक्सपेंड कर दो तो आसान हो जाएगा, लेकिन तुमको एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि प्रयास करना मोस्टली क्या हो जाए हमारा जीरो आ जाए, मोस्टली क्या आ जाए जीरो आ जाए। अब समझो यहाँ से कि मोड ऑफ हाफ तो होगा, अच्छा पहले एक बात बताओ, रो वन बना लो रो वन माइनस रो टू से, तब ना वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और रो टू बना लो रो टू माइनस रो थ्री से, तब ना वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, समझ आ रहा है रे, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ बनाओ क्या, रो वन बना लो रो वन माइनस रो टू से, कोई डॉट आ गया। अब देखो दूसरा, रो टू बना लो किससे, रो टू माइनस रो थ्री से, कोई डॉट किसी को समझ में। अब देखो यहाँ से रो वन बना लिया, इसका मतलब रो टू रो थ्री के साथ कोई सरकार नहीं, अब करना यहाँ पर। अब देखो रो थ्री कितना हमारा पाँच माइनस पाँच माइनस वन और वन, यहाँ कितना होगा थ्री माइनस फोर, यहाँ कितना होगा रो वन बना रहे हैं, रो वन माइनस रो टू से देखो थ्री, अब माइनस एगो माइनस पहले से प्लस, तो थ्री प्लस सेवन कितना होगा सेवन, एट माइनस टू कितना होगा सिक्स, वन माइनस वन जीरो, ये कितना होगा हमारा ये कितना होगा ये कितना होगा जीरो। अब किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तुम बोलो, हमको बोले थे जिसमें मोस्टली जीरो हो प्रयास करना है उसके अलोंग हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करने का। अब आप यहाँ क्या करो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थ्री, गुड डॉट यहाँ क्या लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थ्री, किसी को डॉट तो बोल सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थ्री किसना अपना, तुमको समझ में आया है ना, ये बताओ ना। अब हाफ पहले से होगा, हम लोग एक्सपेंड करते हैं किससे बोलो ना, एक्सपेंड किससे करेंगे इससे, अब देखो ई इधर कटेगा इधर कटेगा, हमारे पास क्या डिटरमिनेंट बचा सेवन माइनस नाइन और थ्री, यहाँ रख दो क्या सेवन सेवन सिक्स, उसके बाद क्या माइनस नाइन और थ्री, माइनस नाइन और थ्री, कोई डाउट। अच्छा बताओ डिटरमिनेंट क्या होगा हाफ, अच्छा एक बात यहाँ से देखो क्या होगा सॉल्व करो तो सेवन थ्री जा बोलो क्या होगा ट्वेंटी वन, अब माइनस एगो क्वेश्चन में था एगो माइनस फिर से आ गया है ना, नाइन सिक्स जा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 54 होता ना, हाफ ऑफ 75 ये किसमें होगा हमारा स्क्वायर यूनिट। अब देखो इसको लिख सकते हो मोड, देखो माइनस में था कि प्लस में, अंदर में प्लस में तो मोड से हटेगा फिर भी प्लस में होगा, कोई डाउट ना। अब समझो ये कितना होगा हमारा 75 बाय 2 स्क्वायर, आपका विचार यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 37.5 स्क्वायर, जल्दी करो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है चलो किसी को समझ में नहीं दिक्कत कोई तुमको ले जल्दी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना, ध्यान दो इधर तुम्हारे पास क्वेश्चन है कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, जिसका वर्टिसेस दिया गया तीन को वर्टिसेस दिया गया, इधर ध्यान दो नहीं। अब देखो मान लो ये तुम्हारा क्या होगा ट्रायंगल होगा, और ए का वर्टेक्स मान लो 1.0 1.0, बी का कितना होगा 6.0, सी का कितना होगा 4.3, इधर ध्यान दो बात मत करो सुनो। अब देखो सबसे पहले बात लिखते हैं लेट ए बी ए बी सी इज ए बोलो ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, क्या ए कितना देखो ए मान लेते हैं हम लोग 1.0
जीरो कॉमा बी कितना बताओ बोलो ने जीरो एंड सी कितना बताओ 4.3। अच्छा तुमको प्रॉपर्टी बता चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे कैसे निकालते पता है ना प्रॉपर्टी बताया तुमको हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ बोलो ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारे पास एबीसी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर देखो मोड लगाना नहीं है एकदम अब देखो एक्स वन वाई वन वन यहाँ दो एक्स वन वाई वन वन यहाँ क्या होगा हमारा एक्स टू वाई टू वन यहाँ क्या होगा हमारा एक्स थ्री वाई थ्री वन यहाँ क्या होगा हमारा साथ में आप स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना क्योंकि एरिया का जो क्या कहते हैं यूनिट होता है किसमें होता है स्क्वायर में। अच्छा अब एक बात आप बता दो यहाँ से मोड तो लगाना एकदम कंपलसरी है हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन ये रख देते हैं कोई दिक्कत वन कॉमा जीरो यहाँ वन रख देते हैं यहाँ एक्स टू इसको सिक्स कॉमा जीरो कर दो क्या कर दो सिक्स कॉमा जीरो यहाँ वन एक्स थ्री वाई थ्री फोर कॉमा थ्री कर दो क्या करो फोर कॉमा थ्री यहाँ वन होगा यहाँ तो स्क्वायर यूनिट तुम्हारा होना लाजमी ही है। अब देखो तुम पहले से इसको हमको थोड़ा तहियो ठो मतलब क्या कहते हो ना ये करने का नीड नहीं पड़ेगा क्या करने का क्या कहते हैं उसको रो वन रो टू को कन्वर्ट कर लेगा क्योंकि हमको पहले ही कॉलम टू में देखो दो एलिमेंट जीरो है और तो आसान हो गया हमारा हो गया यहाँ कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बात बाकी आपको एक थोड़ा सा समय लगेगा ओके वन माइनस वन जीरो करोगे फिर भी इसमें दो ये को जीरो होगा होगा ना होगा ना दो ये को जीरो दो को जीरो तुम्हारे पास पहले से बनने वाले थे कार्य अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तुमको बता दिए थे बबुआ कौन चीज की एक्सपेंड उसके अलोंग करना कि जिसमें क्या जिसमें मैक्सिमम क्या हो हमारा जीरो जिसमें क्या हो हमारा मैक्सिमम जीरो अब समझो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम टू एक्सपेंडिंग अलोंग क्या होगा हमारा कॉलम अब समझो यहाँ से तो कॉलम टू के अलोंग अब समझो कहता तुम्हारे पास तीन को बिंदु दिया हुआ तीन पॉइंट दिया हुआ होगा वो कॉलिनियर कब होगा किस में केस में कॉलिनियर होगा ये ध्यान रखना और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम मान लो तुम्हारे पास ये क्या होगा लाइन होगा इस पर तीन पॉइंट याद सुनो इस पर कितना पॉइंट तुम्हारे पास तीन पॉइंट होगा मान लो ये कॉलिनियर होगा किस केस में कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन क्या होता है एक बात यहाँ से समझने का कोशिश ये हमारा क्या होगा अब देखो कैसे पढ़ना हम लोग ये चीज देखेंगे कि कॉलिनियर है या फिर नहीं तो कॉलिनियर के केस में कहता है तुम लोग टेंथ क्लास में भी पढ़ चुका होगा सेवन चैप्टर में उस केस में कॉलिनियर होता है हमारा ये चीजें कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए जब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए एकदम जीरो हो जाए तब उस केस में क्या होता है बोलो ना वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होता है अदरवाइज नहीं होता हालांकि सो इस चीज को कैसे लिखेंगे थ्री पॉइंट x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 r said to be collinear r said to be क्या होगा बताओ collinear if i double f इसका मतलब क्या होता पता है if and only कब होगा जब ध्यान रखना यहाँ पर एक बात जब हमारा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा हमारा जीरो होगा अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ जाए तब कहेंगे वो तीनों पॉइंट क्या होगा हमारा कॉलिनियर होगा क्या होगा तीनों पॉइंट हमारा क्या होगा कॉलिनियर होगा इस चीज को दिमाग में रख लेना बढ़िया से इस पे एक कंसेप्ट निकल के आता है हालांकि इसमें हम ये चीज भी कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए हमारा बोलो जीरो आ जाए क्या आ जाए जीरो आ जाए तो समझेंगे वो तीनों पॉइंट क्या वहां पे कॉलिनियर अच्छा एक बात
एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो ही क्यों होनी चाहिए? किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है? किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो ही क्यों होनी चाहिए? आ सकता है, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो किस केस में बनता है? अच्छा बताओ, सबसे पहली बात, हमको ट्रायंगल बनने के लिए तीन लाइन तीन पॉइंट चाहिए इसमें, होगा ना? और कैसा ट्रायंगल, कैसा फिगर है? क्लोज फिगर। कैसा फिगर है? क्लोज फिगर है। जब क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो क्या उसका एरिया निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो बताओ, तीन को पॉइंट है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, इस लाइन पर, एक ही लाइन पर। तो जब एक ही लाइन पर होगा तो क्या कभी भी हम बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है? जब ट्रायंगल बनेगा नहीं करेगा तो एरिया क्या होगा? जीरो। इसलिए ऐसा कहना होता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए वहां पर, जब जीरो हो जाए तो कहेंगे क्या हम लोग, क्या कहेंगे बताओ? वो तीनों पॉइंट क्या हमारा कोलिनियर है। अच्छा, एक कंसेप्ट किसी के दिमाग में आता होगा, यहाँ पर तो हाफ था, इसी को उधर हम भेज देंगे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, क्या हो जाएगा वहां पर बताओ? जीरो हो जाएगा ना, उधर हाफ था ना, हाफ था, हाफ को इधर भेजेंगे सीधा जीरो। इसलिए हम लोग तुमको जो था निष्कर्ष निकाल करके वही चीज यहाँ पर लिखे, कोई डाउट? यही कंडीशन किसका होने का है? किसका होने का है? कोलिनियर होने का, यही कंडीशन, कोई डाउट? जल्दी इसको नोट डाउन करो।